हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रभास की सलार मूवी के डे 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, आप भी अगर सलार मूवी के डे बाय डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपने पिछले वीडियो में जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब किया था उससे कई ज्यादा प्यार इस वीडियो को दोगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सलार मूवी का क्लैश हुआ था शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ, और दोस्तों दोनों ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपने हिसाब से अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों, दोनों मूवी का कंपेरिजन करें तो प्रभास की फिल्म ने ज्यादा कमाई की है। और दोस्तों, इस मूवी ने इंडिया में ही नहीं ओवरसीज में भी अच्छी खासी पकड़ बना के रखी है। और दोस्तों, सलार मूवी को तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया है। अब दोस्तों, इस मूवी के कलेक्शन के बारे में बात करें तो सलार मूवी ने अपने पहले दिन सभी लैंग्वेज को मिला के इंडिया से 90 करोड़ 80 लाख की कमाई की। दूसरे दिन इस मूवी ने 56 करोड़ 35 लाख की कमाई की। तीसरे दिन इस मूवी ने 62 करोड़ 5 लाख की कमाई की। चौथे दिन इस मूवी ने 46 करोड़ 30 लाख की कमाई की। पांचवें दिन इस मूवी ने सभी लैंग्वेज को मिला के इंडिया से 24 करोड़ 90 लाख की कमाई की। वही दोस्तों, छठे दिन यानी कि कल के दिन इस मूवी ने 19 करोड़ की कमाई की। और दोस्तों, आज इस मूवी का डे 7 है। और दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार सभी लैंग्वेज को मिला के सलार मूवी सातवें दिन 17 करोड़ की कमाई करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, वो इंडिया से 7 दिनों में 316 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी। और दोस्तों, ये प्रभास की 300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने वाली चौथी फिल्म बन जाएगी। और वर्ल्ड वाइड इस मूवी ने 450 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सलार मूवी अपने लाइफ टाइम में कितने करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करेगी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।